अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक मरतबा आप सबका फिर वेलकम हो गया अली रज़ा भाई व्लॉग में, और मेरे साथ जनाब मेरे दिलवर जानी साजद भाई और बाबर अली सज्जन साहब। आज की गुड न्यूज़ ये है कि इस जो कंट्री प्लस सिटी 41 की जो ये मुकाबला हो रहा है उसमें आज से बाबर भाई हमारे साथ रहेंगे। तो बाबर भाई क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मेरी खुशबक्ति है कि इतने सुरीले सनातनों के दरमियान वो जैसा बंदा बैठ रहा है, तो इनकी दुआओं के साथ ही चलेगा सारा निज़ाम। अल्लाह सलामत इंशाल्लाह। आमीन। जी साजिद भाई जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो बाबर भाई को हम वेलकम कहते हैं। वेलकम कहते हैं। ये बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह करीम हमें जो हमें मनसब दोस्तों ने अता किया है इसको हक सच से इसको निभाने की अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए, और जो इंसाफ पे मबनी मामलात हैं उनमें रहने की अल्लाह हिम्मत अता फरमाए। आमीन आमीन। तो वीडियो के साथ आप जुड़िए रहिएगा, आज बहुत ही खूबसूरत व्लॉग बनेगा क्योंकि आज प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि हम इस वक्त क्वार्टर फाइनल में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह पूरा ये जो सीजन है आपको मैं अपने व्लॉगों में दिखाता रहूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और कोशिश करें कि हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जजाक बैंड होगा। गुलाम अब्बास साहब ने बड़ा खूबसूरती के साथ कलाम पेश किया, और इनके लहजे में बड़ी गर्ज और बड़ी मेहनत से पढ़ा है, यानी जितनी इनको मेहनत करनी चाहिए अच्छी कोशिश की इनकी। बस ये मैं गुलाम अब्बास साहब को कहना चाहूँगा कि बेटा जो लफ्ज़ आप आपसे कहने के वो जो निखरने चाहिए लफ्ज़ वो नहीं हो पा रहा आपसे। आवाज़ अच्छी है, हरकतें भी बहुत अच्छी ली आपने, अच्छे मुकाम देखे हैं, तो माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। और अली रज़ा साहब के दिल को कैसा लगा? गुलाम अब्बास बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, हर जो इन्होंने एक दो चीज़ें पढ़ी है, एक दो चीज़ें हरकतें जो इन्होंने ली बहुत खूबसूरत ली है, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने नाक का इस्तेमाल किया और तेरे टुकड़ों पड़ा आपने, ठीक है। और वीडियो के लिए बनाने साजिद भाई हमारा फखर है, अली रज़ा भाई से भी हमारा फखर है। आप लाहौर से आए हैं, कैसा लग रहा है जी आपको सिटी 41 का? लग रहा है आज का दिन बहुत खूबसूरत गुजरा, और बड़ी बातें सीखने को मिली साजिद भाई से, जनाब मोहतरम मेरे बड़े भाई अली रज़ा पॉइंटर अली भाई ने नात बड़ी कैसा क्या कहने जो सुराज बतीरे ना इतनो आ जो ना अल्लाह को सलाम। ये मेरे मेरे बड़े भाई चल रही है, मेरे बड़े भाई जनाब बाबर अली सज्जन साहब आज पहले दिन हमारे सेट पे तो फुल मज़े आए हैं, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। अब ये इंशाल्लाह पूरा रमजान हमारे साथ में रहेंगे। महमूद भाई वो अपना ब्लॉग बहुत कमाल चला है, हाँ, जिसमें आप अल्लाह ताला आप और तरक्की करें, मेरी सारी वीडियो में से सबसे कम व्यूज उसको पड़े हैं और अब और भी पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये सेट हो गया रेडी, आज कमाल पार्टी भी है हमारे साथ।
भाई कौन सी कवाल पार्टी है? अमर अली सगे ख्वाजा। अमर अली खान सगे ख्वाजा ये भी हमारे साथ है। साजिद भाई मजे कर रहे हैं। साजिद भाई ये देखे, साजिद भाई मजे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप हमें कुछ खिलाया करेंगे तो फिर मैं आपके पास आया करूँगा, वरना कैसे मर्जी है मेरे व्यू भी व्यू मेरे जो चाहने वाले वो कहते हैं कि आप आपका यार हो के कुछ नहीं खिलाता आपको। ऐसी गलत बात। हाँ एक दिन चावल खिलाए थे और इंशाल्लाह कुछ 26वें तो खा ही लेना फाइनल वाले दिन। वो 25वें 27 चलो जब भी हमने खा तो लेना। ठीक है पक्का हो गया। पक्का क्या बनाएंगे उस दिन? जरा स्पेशल होगा तो मीठा बना लेंगे। आपको मीठा पसंद है? मीठा गोश्त बना लेंगे। चले ठीक, आपकी फरमाइश मटन ले रहा मीठा मिला के मीठा गोश्त। ठीक हो गया। ये जनाब हमारे प्यारे भाई, ये जनाब आपको पता है जानते हैं भाई, ये हमारा बहुत पुराना इनके साथ एक रिलेशन है तो हमेशा ही बनता रहेगा। मौसम जट साहब बाय बाय करते हैं। पाकिस्तानी साउंड बहुत अच्छा साउंड है पूरे फैसलाबाद में। मौसम जट साहब ठीक ठाक जनाब, बहुत अच्छे भी लोग पढ़ रहे हैं जी। तो अभी मैं अपने स्टूडियो से बाहर जा रहा हूँ, आज का व्लॉग थोड़ा सा मुश्किल है। अभी 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 किधर जा रहा है? साजिद भाई मैं ज़रा आज आज किधर है साजिद भाई? अच्छा तो आज के व्लॉग मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ज़रा अंदर स्टूडियो पे जाना है, वो जैसे आपको पता है कि अंदर कोई नहीं जाता इजाज़त के बगैर। मैं थोड़ी देर में आपसे दोबारा बात करता हूँ। फैसलाबाद के हवाले से कोई भी मौजूद हो, किसी भी तरह के मामला हो, उनमें बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत है, उनसे बात करना हमेशा जो है खासा दिलचस्प रहा है। और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी काफी दिलचस्पी बढ़ गई होगी कि कौन सी आज शख्सियत है जो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि स्पेशल ट्रांसमिशन है तो लोग भी स्पेशल है, गेस्ट भी स्पेशल है। तो आज हमारे साथ जो नाम भाई फैसलाबाद की मशहूर शख्सियत मौजूद है उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमें आज ज्वाइन किया है सैयद ज़िया आलमदार, ये वो जगह है जहाँ सबसे बात करवाता हूँ। एक रूहानियत से फैल जाती है वो आदमी जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी। वो भी एक बार फिर आपका वेलकम हो गया। अभी हम सब स्टूडियो से फ्री हो गए हैं तो अभी स्टूडियो से अब जा रहे हैं। मेरी जाने मन किधर है? बिस्मिल्लाह। साजिद भाई के साथ माशाल्लाह जितनी मरतबा काम किया बहुत मज़े आ रहे हैं और अब ज़्यादा मज़े आएंगे क्योंकि बाबर अली सज्जन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साढ़े नार अड़ गए ने। तो इंशाल्लाह ताला सैयद सदफ ने आज बहुत अच्छा पढ़ा है और अगर हम इन लोगों को अगर कुछ समझाते हैं तो वो इनकी बेहतरी के लिए ही कहते हैं। अल्लाह करीम आप सबका हामी और नासिर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। साजिद भाई वो एक मतलब जो आपने अस्सलाम वालेकुम कहा था वो अस्सलाम वालेकुम।